Hello everyone, welcome to Unacademy and let's crack JEE this year. Okay, basically my name is Shashi Shekhar and I am the HOD, currently the HOD of Erudite Educational Services in Delhi. मैंने अपनी BTech NIT जयपुर से की है. मैंने अपने टाइम पे JEE में आउट ऑफ 121 ने 15 मार्क्स स्कोर किए थे. मैं अंडर 19 प्लेयर भी रह चुका हूँ और इस समय मैं एक प्रोफेशनल ट्रैकर भी हूँ. आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में हमें समझना और जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है कि जब आप 11th में आओगे, ठीक है ना, 10th से जब आप 11th में आओगे, काफी बच्चों ने मुझसे बोला कि सर प्लीज एक वीडियो बता दीजिए, कि एक वीडियो बना दीजिए कि इसमें हमें बता पता चले कि 11th में आके तैयारी कैसे करनी है शुरू से ही JEE या नीट के लिए. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जब आप 11th में आओगे तो आपको तैयारी कैसे करोगे, आप शुरू से ही प्रिपरेशन कैसा करना चालू करोगे JEE और नीट के कॉम्पिटिशन के लिए. ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं कि अनअकैडमी क्या है. बेसिकली अनअकैडमी में आपको ऑल ओवर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर लाके दे दिए गए हैं कि जिससे आपको किसी के कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, किसी को आपको रैंडमली इधर उधर जाके ना ट्रैक करना पड़े. आप अनअकैडमी में आइए, आपको सारे एजुकेटर्स यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी होती हैं. स्पेशल क्लासेस का क्या मतलब है कि जैसे आपके लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियो लेक्चर्स डाले जाते हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं फैकल्टी के यूट्यूब पे, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. और सबसे अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं JEE के लिए, नीट के लिए. आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, प्लस उससे अच्छी बात की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने टाइम पे अपने वीडियोस दे सकते हैं. फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, आप जब चाहें तब अपने वीडियोस देखिए. ठीक है, अपनी लैंग्वेज में देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे. प्लस आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, कंफर्ट जोन में क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो. ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपना IT JEE या नीट, जो भी आपका सेक्शन आपको इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो सेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे. सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद एक प्लान बन जाएगा और उस प्लान में आप कोड डालेंगे शशि सर, SHASHI SIR. ये कोड डालने से आप होगा कि आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं तो मैं हम आपको प्लान दिखा देता हूँ. प्लान हमारे पास 1 महीने के हैं, 6 महीने के भी हैं, 3 महीने, 12, 24 महीने. अगर आपने ठान लिया है कि आपको लग के पढ़ना है तो लॉन्ग प्लान सेलेक्ट करिए. अगर आपको लगता है कि मैं 1 महीने देखता हूँ, मुझसे होगा कि चीजें नहीं होंगी, तो आप बिल्कुल 1 महीने का प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट करने के बाद जब आप प्लान सेलेक्ट कर लेंगे तो एक अमाउंट बन के आ जाएगा और उसमें क्या है, अप्लाई कोड. तो उस समय क्या करेंगे, आप मेरा कोड लगा देंगे शशि सर, तो आपको वहां से क्या हो जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, अब मैं बात करता हूं शुरू से बिल्कुल कि आप अगर 10th का पेपर दे के अभी 11th में आए हो, ठीक है, जस्ट अभी आप 10th का पेपर दे के 11th में आए हो, समझना यहाँ पे आपने 10th के पेपर खत्म हुए, आपके 10th पेपर आपके खत्म हो गए. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए 10th का पेपर खत्म होने के बाद एक्चुअली में 11th का सेशन चालू होने के बीच में ऑलमोस्ट आपका ये मान लीजिए 1 से 2 महीने का गैप हो जाता है. ठीक है, अब ये आप, ये वो 2 महीने हैं जो आपको ये डिटरमाइन करेंगे कि आप दुनिया से आगे चलोगे या दुनिया से पीछे चलोगे, ये चीज याद रखना, या फिर दुनिया के साथ साथ चलते रहोगे, वो तो हर कोई करता है. ठीक है, अब यहाँ पे आप करोगे क्या, जब आपके 10th के पेपर खत्म हो जाएं तो आप भी 15 दिन का ऑफ लो, 15 डेज का ऑफ लो. ठीक है, और इन 15 डेज में केवल आप ये सोचो, एक सोचने का काम अपने पास रखो और आप ये सोचो इन 15 डेज में कि आपको लेना क्या है. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल PCM लेना है, ठीक है, PCB लेना है, या आपको कॉमर्स लेना है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोच लेते हो कि आपको कॉमर्स लेना है, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली अभी डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल PCM और PCB के लिए. ठीक है, तो कॉमर्स के लिए ये वीडियो नहीं है, कॉमर्स के लिए भी कोई ना कोई सर अपने वीडियो बनाएंगे. ठीक है, तो PCM अगर आपको, अब देखो 15 दिन में केवल एक ही काम है, PCM, PCB और कॉमर्स के बारे में आपको रिसर्च करनी है, आपको समझना है, आपने आसपास के लोगों से, आपका अपना खुद का इंटरेस्ट देखना है
या आपका इंटरेस्ट किस में है, या आपने पहले से ही सोच रखा है कि आपको क्या लेना है, तो उस हिसाब से आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने 11th में फॉर सिलेक्ट कर ही लिया, इन 15 दिन में आपने सोच लिया कि हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम PCM लेंगे, या फिर आपने सोच लिया हम PCB लेंगे, अब आपको क्या करना है, ये आपका 15 दिन की वेकेशन थी, इसमें आप घूमते फिरते, आपका काम एक ही था कि आपको अपना 11th का सब्जेक्ट चुनना है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद आपके अभी भी एक महीना ऑलमोस्ट आपके पास बचेगा जिसमें स्कूल ओपन होने से पहले, स्कूल या कोचिंग्स या फिर कुछ भी ओपन होने से पहले, ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट एक मंथ और बचेगा स्कूल ओपन होने से पहले। इस एक मंथ में आपका काम क्या है, इस एक मंथ में आपका काम यह है कि आपको हर सब्जेक्ट की NCERT की बुक्स ले लेनी है, ठीक है, प्लस उनकी एक एक रिफ्रेशर, केवल एक एक, कंफ्यूज मत होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो तो मैं आप कॉम्पिटिशन के लिए तो मैं रेफर करूंगा आपको एन अवस्थी, ठीक है, कौन सी बुक रिफर करूंगा, एन अवस्थी। वैसे ही अगर, ठीक है, ये मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूं, ठीक है, फिजिकल की बुक लेनी है एन अवस्थी, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए लेनी है तो एम एस चौहान, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए केवल NCERT सफिशियंट है, क्लास में आपके जो फैकल्टी के नोट्स होंगे वो सफिशियंट है। ऐसे ही मैथ के लिए आप देख लेना, ऐसे RD शर्मा आती है, इस तरीके से जो बुक्स हैं वो रिफर कर लेना आप, ठीक है। तो आपका काम है कि आप ये पता करेंगे उस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है और आप जिस टीचर से पढ़ने जा रहे हो वो कौन सी बुक रिफर करता है, ठीक है, आप वो बुक्स खरीद लेंगे। मतलब समझना, आप बेसिकली अब आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या है, एक फाइट में आ रहे हो, एक बहुत प्यारी फाइट से, मजा आता है इसको लड़ने में, तो उस फाइट से, किसी भी आप फाइट में जा रहे हो तो उससे पहले आपको अपनी आर्मरी तो तैयार करनी पड़ेगी ना, आपको अपने हथियार तो तैयार करने पड़ेंगे ना। तो हमारे हथियार क्या है, हमारी बुक्स, तो हमारी बुक्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो। तो अब फिर मैं आपको देखो 15 दिन का और काम दे रहा हूं, ये भी काम 15 डेज में हो जाना चाहिए। अब देख लो, टोटल एक महीना हो गया, 15 दिन यहाँ पे और 15 दिन यहाँ पे, एक महीने में दो बहुत छोटे से काम थे क्या, एक तो आपको अपना PCM PCB जो भी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना था, और दूसरे 15 दिन में आपको क्या करना था, बेसिकली केवल बुक सिलेक्ट करनी थी। तो आपका एक महीने का टोटल वेकेशन हो गया, इसमें आपकी टेंशन नहीं है। अब आप अपना स्कूल या कोचिंग खुलने से पहले, एक महीना पहले, आप 11th में हर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है आपको। मतलब समझना, जो आपके पास एक्स्ट्रा 15 डेज बच रहे हैं उनमें आप क्या करोगे, तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पढ़ डालने का मतलब, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्ड कोर है कि 15 में खत्म ही करना है, पर एक चैप्टर कोशिश करना कि आपका निपट जाए। तो जब आप रेगुलर कोर्स में आओ तो आप सोचो हमेशा अपने फैकल्टी से एक चैप्टर आगे चलोगे। एक चैप्टर आगे चलने का फायदा क्या होगा, समझना, एक चैप्टर आगे चलने का फायदा ये होगा कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। समझना, आप जब क्लास में बैठोगे तो आप दूसरों से ज्यादा एक कॉन्फिडेंट होके बैठोगे, कह रहे ये सब तो लोग पढ़ रहे हैं, मुझे तो आता है। टीचर जैसे आप पूछेगा आप तुरंत जवाब दे दोगे, टीचर भी कहेगा वेरी गुड बेटा। तो उससे क्या होता है ना, जब आपको चारों तरफ से एक सुपीरियर फीलिंग आती है ना, तो वो सुपीरियर फीलिंग एक लत होती है। लत होने का मतलब आप फिर आप क्या करोगे, आप दूसरों से सुपीरियर रहने के लिए हमेशा उनसे आगे ही चलोगे। देखो लत दो तरह की होती है, एक लूजिंग वाली लत होती है और एक विनिंग होती है। अगर आपको जीतने की आदत पड़ गई तो आप हमेशा जीतने के लिए कुछ भी करोगे, अगर आपको लूज हारने की आदत पड़ गई तो आपको ये चला यार हारना ही तो है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा हो गया, क्लास में सब लोग आपको ऐसे देखते हैं कि अरे इस भाई को सब आता है, तो आप उस फीलिंग को, उस इज्जत को मेंटेन करने के लिए दूसरों से हमेशा ज्यादा ही अच्छा ही पढ़ोगे, और वो आपके लिए एक अच्छी मोटिवेशन है, दैट इज अ गुड मोटिवेशन, ठीक है। और एक बैड मोटिवेशन क्या होती है, क्लास में टीचर ने कह दिया तुम तो बेकार हो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तो तुम क्या सोच लेते हो, मैं तो वैसे ही बेकार हूँ, सब मानते ही हैं, मैं नहीं करना, ठीक है छोड़ो, आराम से बैठ के पढ़े रहो, ठीक है। तो एक होता है कि आप ये वाली चीज करते हो। अब करना क्या है समझिए आपको, देखिए बेसिकली आपकी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो देखो दो ही कॉमन रहने वाली है, डिफरेंस आने वाला है मैथ और बायो में, ठीक है। अब आप करोगे क्या, प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए प्रिपरेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल तरीका था ये, तो देखिए
बेसिकली अगर आप चेक करो तो 11th में और 12th में केमिस्ट्री फिजिक्स उठाओगे तो फिजिक्स में आप गौर करोगे ऑलमोस्ट 14-15 चैप्टर इधर होंगे, ऐसे 14-15 चैप्टर इधर होंगे, टोटल कितने चैप्टर हैं 29 चैप्टर हैं। ऐसे आप केमिस्ट्री में आओगे 11th केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं और 12th की केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 14 चैप्टर है, तो केमिस्ट्री में कितने हैं 30 चैप्टर है, ठीक है। ऐसे ही हम मान लेते हैं मैथ में भी चैप्टर होंगे, हम 15-15 चैप्टर दोनों में मान लेते हैं, 30 चैप्टर होंगे किसके आपके मैथ में, तो बेसिकली या बायो में जिसमें भी हो आप मैथ और बायो को, मैं मैथ बोलूं तो भी बायो वाले उसको बायो समझ के चले, तो अगर आप काउंट करोगे तो टोटल आपके ओवरऑल जेई और नीट के सिलेबस में ऑलमोस्ट मैं मान चलता हूं ओवरऑल 90 चैप्टर्स है, ठीक है। कितने चैप्टर है 90 चैप्टर्स है। अब देखो इस चीज को कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं, आपके पास 90 चैप्टर्स हैं और दिन आपके पास है 385 हम 50 मान लेते हैं, कुछ दिन हमारे छोड़ देते हैं, 350 × 2 मान लेते हैं, ठीक है 365 जगह हम 350 डेज मानते हैं, मानते हैं आपका 700 दिन है, ठीक है। अब 700 दिन समझना, 700 दिन को अगर हम 90 से डिवाइड कर दें तो आप एक बहुत सिंपल इक्वेशन समझिएगा कि कितना, अगर बेसिकली आप खुद देखो हमने डिवाइड कर दिया 90 से तो आप टेक्निकली देखोगे तो हर चीज के लिए मोटा माटी मान लें आपके पास 8.5 दिन आने वाले हैं। कितने दिन आने वाले हैं 8.5 दिन आपके पास हर एक चैप्टर के लिए हैं, मतलब आप हर एक चैप्टर को केवल फिजिक्स का एक चैप्टर, ठीक है, आप उसमें 8 दिन दे सकते हो और ये एक चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा दिन है। मैं आपको सही बताऊं टेक्निकली मैं इन सब चीजों को रब कर रहा हूं, फिर से मैं आपको अगर ये बोल रहा हूं कि आपके पास हर चीज के लिए क्या है 8 से 9 दिन है तो मैं मोटा माटी मान लेता हूं 8 दिन है। तो मैं आपको सही बताऊं अगर मैं केमिस्ट्री लेके चलूं तो 8 दिन एक चैप्टर के लिए बहुत है। कैसे बहुत है समझिए, अगर आप किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी 2 डेज थ्योरी लगता है किसी भी चैप्टर, चाहे चैप्टर कितना भी बड़ा हो उसकी थ्योरी अगर पढ़ने में केवल और केवल 2 दिन लगते हैं, और ये 2 दिन केवल तब हैं जब आप केवल और केवल केमिस्ट्री पढ़ोगे उन 2 दिन में, फिजिक्स और मैथ में तो नहीं पढ़नी है क्योंकि सबको इंडिविजुअल जो आया है ना हर चैप्टर का, तो 2 दिन लगते हैं, ठीक है। प्लस अगर उस चैप्टर में न्यूमेरिकल है और चैप्टर बड़ा है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, तो 3 दिन लगते हैं हमारे किस चीज के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। कितने दिन लगते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए अगर चैप्टर बड़ा है तो, ठीक है, छोटा चैप्टर है देखो, और अगर ये वो चैप्टर है जिनमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों होते हैं, जिन चैप्टर में थ्योरी थ्योरी केवल होती है, बहुत से चैप्टर ऐसे जिनमें केवल थ्योरी होती है, वो तो केवल कितने दिन में निपट जाएंगे 2 डेज में ही निपट रहे हैं वो तो। तो बेसिकली आप देखो हर चैप्टर में आप आइडियली 4 से 5 दिन बचा के चलोगे, 4 से 5 दिन ऑन एवरेज बचा के चलोगे। तो ऐसे अगर टोटल 90 चैप्टर हैं तो 90 चैप्टर में अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप खुद दिमाग लगा के चलो 450 दिन तो आप बचा ले रहे हो, 450 डेज रिमेनिंग हैं। अब आप सोचो तो टेक्निकली केवल जेई और नीट की तैयारी केवल और केवल 9 महीने की होती है, और ये सही होता है, ठीक है। तभी जब आपने देखा और लोग ड्रॉप करके जेई या नीट निकालते हैं तो वो ऐसे ही निकालते हैं 9 महीने में, तो आइडियल तैयारी तो उनकी होती है पर उन्हें कोई भी वेकेंट डे नहीं मिलता है। पर अगर आप 11th में आ रहे हो 11th के साथ पढ़ोगे तो 11th 12th को अगर आप काउंट करोगे आपके पास 450 दिन एक्स्ट्रा है। हमारा जेई नई नीट और तैयार हो गया तब भी 450 दिन एक्स्ट्रा है, मतलब 1 साल से ज्यादा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उनमें आप क्या करोगे। जैसे लोग कहते हैं ना आपका कोई अपना एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी है वो कर लो, आप स्कूल की फाइल बनाओगे, कहीं आपको घूमने जाना है आप घूम सकते हो, कुछ मैच आ रहा है मैच देख लिया, तो वो सब चीजें हम उस टाइम पे करेंगे, ठीक है। बट टेक्निकली 9 मंथ का कोर्स है। अब लोग करते क्या है, लोग इस चीज को समझते नहीं है और इस चीज को समझते नहीं है तो वो क्या करते हैं इस चीज को खींचते रहते हैं। तो बेसिकली हमें इन सब चीजों को क्या करना है, खींचना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत आसान है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत आसान है, आप इनको अगर इस तरीके से फॉलो करोगे ना तो आप बहुत इजीली करके निकल लोगे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब आप जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए आओ कि एक शेड्यूल बनना होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल बना होना चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूं शेड्यूल में आप केवल नीट की प्रिपरेशन है जेई की प्रिपरेशन के लिए 6 आवर्स देंगे दिन में। 6 आवर्स कैसे देंगे आप,
आप केवल और केवल 1.5 घंटा देंगे केमिस्ट्री को, समझिए, पर ये रोज देना है आपको, ठीक है। 1.5 घंटा दिन में देंगे केमिस्ट्री को, 2 घंटे आप केवल और केवल देंगे फिजिक्स को, और 2.5 घंटा आप देंगे केवल और केवल किसको, मैथ को, ठीक है। प्लस मैथ के साथ एक बेस्ट पार्ट और है, मैथ आप क्या कर सकते हो, मैच देखते हुए भी लगा सकते हो, ठीक है, टीवी में कुछ सीरियल देखते हुए भी लगा सकते हो, बालकनी में कहीं, मतलब ऐसा वहीं कहीं भी आप बैठ के मैथ लगा सकते हो, मैथ में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको बिल्कुल एक सुकून वाला वीकेंड टाइम चाहिए, तो आपको केवल दिन में 6 घंटे देने हैं, ठीक है। और अगर आपने दिन में ये 6 घंटे दे दिए हर दिन रेगुलर होके, बस ये टूटने नहीं चाहिए, कि ये नहीं कि आज यार छोड़ो मूड नहीं हो रहा है आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नीट और जेई निकालना है और आपने दिन में 6 घंटे दे दिए, तो भाई साहब आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप सबसे आगे चलोगे, आपके स्कूल में नंबर आएंगे, आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे, और आप डेफिनेटली जेई और नीट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे ही करोगे, ये फैक्ट बात है, आप इस चीज को चाहे गौर करके कहीं भी देख लेना। समझ में आया आपको ये चीज, समझ में आया, प्लानिंग समझ में आई कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए जेई और नीट के लिए, ठीक है। अब मुद्दे की बात आती है, फिर आगे चलते हैं, कि ये तो चीज तो हमें समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं आगे कि जब आप तैयारी चालू करोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। वो उन पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है, वो ये है कि आप जब एक बार एक बुक रिफर कर लें तो हमेशा केवल उसी बुक पे स्टिक रहें, मल्टीपल बुक्स के पीछे मत भागें। मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि सर मेरे दोस्त ये वाला बुक रेफर करा था, मैंने सोचा उसकी बुक लेके थोड़ा उससे ही पढ़ लूं। नहीं, आपका बुक कुछ बुक दोस्त कोई बुक रेफर करे, आपको नहीं करना है, आपने जो शुरू से आप जिस बुक को रेफर कर रहे हो केवल आप उसी बुक को रेफर करेंगे। होता क्या है ना, मल्टीपल बुक्स को रेफर करने से होता क्या है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उस बुक में कुछ किसी और तरीके से दिया हुआ है, आपने पढ़ा किसी और तरीके से, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो मैंने ऐसा पढ़ा ही नहीं, मतलब मैं ही इंफीरियर हूं, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ। आप ये कभी नहीं सोचोगे आपका दोस्त ने गलत पढ़ा है, आप सोचोगे यार मैंने ही गलत पढ़ा है। कभी आप देखना अपने फैकल्टी के नोट्स देखना, फिर आप दूसरे फैकल्टी नोट्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार मेरे फैकल्टी ने तो मुझे पढ़ाया ही, तो आपको ऐसा फील आता है कि यार मैं क्लास में बहुत पीछे चल रहा हूं, और वो फील नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप जो चीज खुद पढ़ रहे हो आप बिल्कुल श्योर श्योर होकर पढ़ो कि भाई जो ये मैं पढ़ रहा हूँ यही सही है, बाकी वो पढ़ रहे हैं अपना पढ़ने दो, ठीक है। मल्टीपल बुक्स रिफर नहीं करेंगे प्लस, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, दूसरी चीज सबसे ज्यादा आप अपने पास क्वेश्चन बैंक लेके रखिए, लास्ट 15 इयर्स का क्वेश्चन बैंक, मिनिमम लास्ट 15 इयर्स का, ठीक है, मिनिमम लास्ट 15 इयर्स का, ठीक है, और मैक्सिमम लास्ट 20 इयर्स का, इससे पीछे भी नहीं जाना है, ठीक है, मैक्सिमम 20 इयर्स का, इसका आप हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक लेके रखेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का मतलब है कि इस चैप्टर से लास्ट 20 साल में कौन से क्वेश्चन आए हैं उसका, तो जब आप जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जैसे आप 11th में आया आपने केमिस्ट्री में सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, तो आप चेक करिए आज तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और उन क्वेश्चंस को भी लगाते चलिए, तो जब आप उन क्वेश्चन को लगा लोगे ना, तो होगा क्या, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार जेई में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत आसान है, मुझसे हो गए। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब आप क्या सोचोगे, अरे यार हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, देखो अगला चैप्टर मैं करता हूँ जल्दी से, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि जेई में जेई मेरे बस की है, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं जेई तो मेरे बस की नहीं है, जब आपके क्वेश्चन होने लगेंगे ना, तो आप खुद कहोगे यार जेई तो मेरे बस की है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक लेके रखोगे और प्रीवियस ईयर्स का, और वो क्वेश्चन बैंक भी साथ में आप हल करते हुए चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्की बात। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, देखो समझो, ये चीज समझ में आई ना सबको, कोई दिक्कत इसमें, पक्की बात, ठीक है। अब देखिए, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि सर जब हम कॉम्पिटिटिव तैयारी करेंगे तो क्या हमारा स्कूल या बोर्ड तैयारी छूट जाती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप ये आप एक चीज सोचो, जब आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो जो आपके बोर्ड्स का लेवल है वो तो उससे डाउन ही है ना, तो इसका मतलब उस आप
आपके जेई के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ऑल कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीट है। बस तरीका क्या होता है जेई और इसमें, जेई के बंदे एमसीक्यू में रह के रह जाते हैं, बोर्ड्स में हमें लिखना पड़ता है तभी। तो इसका इसके लिए आप करोगे क्या, जब आप 11 12 तैयारी कर रहे हो तो आप सारे क्वेश्चंस में पूरा पूरा स्टेप्स लेके चलोगे। इनिशियल फेज में आप सारे क्वेश्चन कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। जब वो क्वेश्चन आपके स्टेप बाय स्टेप हो जाए तो आपको लगे कि मैं पता है आप क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, तब जो आपका टीचर आपको ट्रिक सिखाएगा उन क्वेश्चन को टाइम बचाने के लिए शॉर्ट्स में करने के लिए, तब आप वो वाली ट्रिक यूज करोगे। समझ में आ रही है बात आपको, तब आप वो वाली ट्रिक्स यूज करेंगे, ठीक है। पहले आप ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे, और ये ट्रिक्स आपको कभी भी अपने बोर्ड में अप्लाई नहीं करनी है, याद रखिएगा। बोर्ड्स में या स्कूल पेपर में ये ट्रिक्स कभी भी अप्लाई नहीं करनी है, ये ट्रिक्स केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। तो इनको कभी भी आप वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आई आपको, ठीक है। देखो फिर और अपना नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो अपना लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, देखिए वो पॉइंट है कि आप जो मैं आपको सलाह दे रहा हूं वो समझिए। वो पॉइंट क्या है, जब आप तैयारी करें इलेवेंथ में, ठीक है, समझना आप बात को, जब आप इलेवेंथ की तैयारी करें खासकर इलेवेंथ की, तो आप अपना इलेवेंथ का सिलेबस बहुत श्योर शॉर्ट बनाइएगा। श्योर शॉर्ट मतलब अच्छे से पढ़ते चलिएगा और उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। शॉर्ट नोट्स मतलब का क्या मतलब होता है, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो उस सब्जेक्ट में या उस चैप्टर में जो फॉर्मूलेज आए हैं उन फॉर्मूलेज की एक फाइल बना लो, चैप्टर वाइज एक फाइल बना लो और उनमें उनके सारे फॉर्मूले लिखते चलो। प्लस कुछ कुछ की पॉइंट और स्टेटमेंट्स आते हैं उनके लिए भी एक अलग फाइल बना लो, फॉर्मूले वाले फाइलें मत लिखना, उनके लिए दूसरी फाइल बना लो। ये फाइल बेसिकली आपके लिए क्या काम करेंगी, ये आपके लिए एक समरी का काम करेंगी। किसका काम करेंगी, समरी का काम करेंगी। समरी का काम कुछ आपके लिए ऐसे करेंगी, देखो जब आप बेसिकली आप 11th करके निकल गए, आपका 11th बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गली तैयार है, ठीक है, पर जब आप 12th में तैयारी करते हो तो बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिलता है 11th रिवाइज करने का, और जैसे ही बोर्ड्स खत्म होते हैं खोपड़ी में आके या सिर पे आके बैठे होते हैं कॉन्सेप्ट में जेई के पेपर, एक महीने बाद मैक्सिमम एक सवा एक महीने के बाद, तब आपका इतना टाइम नहीं है कि आप 11th पूरा जाके पढ़ सको। तब आप क्या करोगे, तब आप अपने यही शॉर्ट फाइल्स उठाओगे, फाइल्स में अपने फॉर्मूले देखोगे, रिवाइज करोगे और जो की पॉइंट्स हैं वो रिवाइज कर लोगे, तो आपको चैप्टर वापस आपके देखो बैक ऑफ द माइंड तो है ही आपके, पर फ्रेश माइंड में आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वापस आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, देखो 12th तो आपका बिल्कुल अभी आप देखकर आए हो, 12th आप तो फ्रेश है माइंड में, टेंशन होती है 11th की, तो 11th आपके दिमाग में वापस आ जाएगा, और वो 11th आपके दिमाग में वापस आ जाएगा तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अरे हमारा कोर्स तैयार है, मैं तो पेपर देने के लिए तैयार बैठा हूँ, ठीक है। और सबसे आइडियल केस बताऊं तो क्या है, जो मैंने अपने टाइम पे किया था, एक दिन जैसे मैंने सैटरडे निकाल के रखा हुआ था, सैटरडे मैंने निकाल रखा था, इस दिन मैं 4 घंटे क्या करता था, केवल और केवल 11th रिवाइज करता था, ठीक है। 11th भी कैसे रिवाइज करता था, 1 घंटा मैं फिजिक्स को देता था, 1 घंटा मैं केमिस्ट्री को देता था और 2 घंटे मैं मैथ को देता था। तो इन 4 घंटों में मैं क्या कर लेता था, केवल सैटरडे को शाम को 4 घंटे मैं देता था, किसको, अपने 11th वाले सेक्शन को, जो मैंने 11th में पढ़ा है, जो नई चीजें मैं धीरे धीरे भूल रहा हूँ, मैं उन सारी चीजों को क्या देता था, टाइम देता था, ठीक है, कि मेरी वो सारी चीजें रिगेन हो जाए। इसीलिए जब मैं 12th के आखिरी में आया तो मेरे लिए 11th भी बिल्कुल फ्रेश था, और 12th तो मैं देकर ही आया था, तो 12th भी मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश था। तो इससे क्या होता है ना, अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी नहीं आती है कि यार हमें 11th तो आता ही नहीं है, ठीक है, 11th में आता था हम भूल गए, क्या फायदा हुआ 11th इतना पढ़ने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट फाइल्स बनाते हुए चलेंगे, समरी बनाते हुए चलेंगे, और एक कोई दिन निकाल लो, मैं नहीं कह रहा सैटरडे निकाल लो, आप संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आपका टाइम मिले आपको फ्री, आप उस दिन टाइम निकाल के एक दिन में 4-5 घंटे आप अपने हिसाब से क्या कर लो, आप 4 घंटे नहीं आप 3 घंटे रख लो, एक ही घंटा तीनों के लिए, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को फॉलो करते हुए चलोगे ना, तो आप फील करोगे कि भाई जेई और नीट में कोई लोड ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, आप बहुत इजीली चीजों को करते ले जाओगे। पर अगर आप चीजों से पहले से डर के चलोगे और ये सब चीजें फॉलो नहीं करोगे तो बेटा होना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार जेई और नीट कितनी टफ चीज है, ठीक है ना, तो आपको कुछ ऐसा फील होने लगेगा।
ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। और एक पॉइंट और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोट्स अच्छे बनाते चलिएगा, ठीक है। ऐसे बेकार से नोट्स मत बनाइएगा, अच्छे नोट्स बनाते चलिएगा हर सब्जेक्ट के। क्यों? क्योंकि अगर बाद में आपको कभी कोई डाउट आएगा ना, तो जरूरी नहीं फैकल्टी आपके लिए रात में 10, 11, 12, 1 बजे भी अवेलेबल हो, पर आपके लिए आपके नोट्स तो हमेशा अवेलेबल है ना। तो अगर आप अपने नोट्स अच्छे से बनाओगे ना बेटा, तो गाइस आप पक्का क्या कर लोगे, बहुत आराम से आपकी चीज रिवाइज हो जाएंगी, आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। सो गाइस मुझे लगता है कि ये मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, जो मैंने अपने टाइम पे जेई निकालने के टाइम लिए जो चीजें अप्लाई की थी वो सारी चीजें आज मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और अगर मैं निकाल सकता हूं तो आप भी निकाल सकते हो, और ये चीज अगर मैंने खुद अप्लाई करके रिजल्ट्स पाए हैं, इसका मतलब इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो और आपके लिए ऐसा हो कि यार सर ने बता दिया पर ये अप्लाई एक्चुअल लाइफ में अप्लाई नहीं हो सकती है। इस सारी की सारी चीजें एक्चुअल लाइफ में अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन सब चीजों को थोड़ा सा देखिए, सोचिए, समझिए, और 11th 10th का बोर्ड का पेपर देते ही तुरंत आप इन्हीं कामों में लग जाइए, ठीक है। और देखो मैंने आपको बताया ना, 1 महीना तो बहुत इजिली आपकी वेकेशन भी हो जाएगी और आप 11th के लिए अपने तैयारी भी चालू कर लोगे कि मुझे क्या चाहिए, कैसे करनी है, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है गाइस। अच्छे से पेपर देना गाइस, डरना मत, ठीक है। सिंपली कोई टेंशन नहीं है, पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 10th एग्जाम। आप और 11th में आइए, आज फिर से हम मिलते हैं, 11th में हम केमिस्ट्री साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एवरीवन बाय, ठीक है। तो अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो तो आप मेरा कोड यूज करिए शशि सर, तो आपको वहां से 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, बाय गाइस।